हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर कैंपेन वीडियो। तो गाइज, आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आरजीएस टूल की सभी सीक्रेट चीट कोड के बारे में। तो गाइज, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि गाइज आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे आप मोबाइल फोन की कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके बाद गाइज आपको अपने गेम के अंदर हाउस को कैसे एड कर सकते हैं, एंड गाइज हाउस को कैसे आप मूव कर सकते हैं, हाउस को आप कैसे मूव ऑफ कर सकते हैं, एंड गाइज आप गेम के अंदर बिल्डिंग को कैसे मंगा सकते हैं, गाइज आपको ढेर सारी वॉल भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप वॉल को कैसे मंगा सकते हैं, मतलब की दीवार को कैसे आप मंगा सकते हैं, उसके गाइज आप ट्री को कैसे मंगा सकते हैं, मतलब की पेड़ को कैसे मंगा सकते हैं, एंड गाइस रैम को कैसे आप मंगा सकते हैं रैम। तो गाइस हमारे गेम के अंदर जो आपको रैम देखने को मिलता है, तो गाइस वो भी आप चीट कोड की मदद से मंगा सकते हैं, आप कहीं भी मंगा सकते हैं। तो गाइस उसको आप कैसे मंगा सकते हैं, तो गाइस आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, एंड गाइस प्रूफ की चीट कोड भी बताएंगे, जैसे कि डस्टबिन कैसे मंगा सकते हैं, साइन बोर्ड कैसे मंगा सकते हैं, फ्यूल बोर्ड कैसे मंगा सकते हैं, उसके बाद गाइस और भी चीज आपको हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे, एंड गाइस वीडियो के लास्ट में आपको हम बताएंगे कि इन सभी को आप कैसे अपना गेम के अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब कि सेव कर सकते हैं, कि ये आप अगर गेम को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट डे में फिर से गेम को स्टार्ट करते हैं, अगर उसी को आप देखना चाहते हैं तो उसको आप कैसे देखने मिलेगा, उसको कैसे सेव करना है, वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, एंड गाइस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो गाइस मेरा डिमांड आप लोगों से यही है कि इस वीडियो के लिए गाइस आप लोग 1000 मेरे को लाइक पूरा कर दीजिए। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक पूरा कर देते हैं, तो गाइस हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गाइस हमारे जो गेम के अंदर ट्रेन है उसको हम रुकेंगे, कैसी भी है कैसे रुकना है, तो गाइस आपको हम बताएंगे चलती ट्रेन को कैसे रुकना है, ट्रेन के अंदर कैसे जाना है, तो गाइस सब कुछ बताएंगे अगर 1000 लाइक पूरा हो जाए तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करके, तो चलिए हम गेम के अंदर चले जाते हैं। गाइस गेम को स्टार्ट करने के बाद ही आपका जो कैरेक्टर है वो गेम के अंदर आ जाएगा। तो गाइस क्या करेंगे, तो गाइस एक अच्छी लोकेशन में हम जाएंगे, उसके बाद गाइस वहीं पे आपको सभी का चीट कोड बताएंगे। एंड गाइस आज हम इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 10 सीक्रेट चीट कोड बताएंगे जो आरजीएस टूल की मदद से आप मंगा सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम अच्छे लोकेशन में चले जाते हैं, तो गाइस उसके लिए हम क्या करेंगे, तो गाइस हमारे गेम के अंदर जो निसान जीटीआर कार है उसको हम मंगा लेते हैं, उसके बाद गाइस हम एक अच्छी लोकेशन में चले जाएंगे। तो गाइस निसान जीटीआर कार के लिए गाइस आपको डायल करना है 3005 डायल करना है, गाइस 3005 डायल करना है। अब जैसे 3005 डायल करते हैं तो आपके सामने आ जाता है निसान जीटीआर कार। तो गाइस अभी हम कार को ले लेते हैं, तो गाइस अभी हम अच्छी लोकेशन में चले जाते हैं। तो गाइस इस लोकेशन को मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए गाइस हम इसी लोकेशन में आपको सभी का चीट कोड बता देते हैं, जितना भी चीट कोड है गाइस अभी हम आपको सभी चीजों की चीट कोड बता देते हैं। तो गाइस वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने वाला ही है, तो गाइस वीडियो को अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए। गाइस सबसे पहले आपको हम बताएंगे हमारा जो गेम के अंदर फोन है उसके आप कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस कलर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मोबाइल पर में क्लिक करना है, मोबाइल पर में क्लिक करने के बाद गाइस आपको आरजीएस टूल में जाना है, आरजीएस टूल में जाने के बाद गाइस आपको डायल करना है यहाँ पे फोन कलर डायल करना है। तो गाइस सबसे पहले हम रेड कलर में कन्वर्ट करेंगे, तो गाइस रेड डायल कर देते हैं, उसके बाद गाइस हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो हमारे गेम के अंदर जो मोबाइल फोन है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस अभी हम रेड कलर की बात कन्वर्ट करेंगे येलो में, तो गाइस देखते हैं कि येलो होता है कि नहीं, तो फिर से डायल करेंगे फोन कलर। तो गाइस आपको लेकिन बनन जो है स्पेलिंग जो है वो सही से डालना है, अभी हम इसको व्हाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर से उसके लिए हम फोन कलर, गाइस हम इस यहाँ पे डायल कर दिए कि फोन कलर व्हाइट, तो गाइस हमारा जो मोबाइल फोन है वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो गाइस ऐसे करके आप हमारे गेम के अंदर जो मोबाइल फोन है उसके कलर को आप बहुत किस्म के कर सकते हैं, बहुत कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लगभग 5 कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ग्रीन कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, उसके बाद गाइस आप मोबाइल फोन को ग्रे कलर भी कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट चीट कोड के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है गाइस, तो गाइस हाउस के लिए है, तो गाइस आप अपना गेम के अंदर हाउस को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो गाइस हमारे गेम के अंदर आप टोटल 10 हाउस मतलब की 10 हाउस को ऐड कर सकते हैं, 10 हाउस की बिल्डिंग को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले नंबर चीट कोड आपको हम बता देते हैं जल्दी से, सबसे पहले क्या करेंगे हाउस को मंगाने के लिए गाइस, सबसे पहले मोबाइल पर क्लिक करने के बाद आरजीएस टूल में जाएंगे, तो ये है गाइस हमारा आरजीएस टूल के ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। गाइस यहाँ पे आके हम लिखेंगे हाउस को ऐड करना है, इसके लिए गाइस हम सबसे पहले एच डायल करेंगे, एच जैसे डायल करेंगे उसके बाद गाइस 1 डायल करेंगे, 1 डायल करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको डन कर देना है। अब जैसे डन करते हैं तो आपके सामने हाउस स्पॉन हो जाता है, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हाउस स्पॉन हो गया, मतलब कि हाउस के सामने वाला स्पेलिंग जो है हाउस होता है, एच ओ यू एस हाउस, तो
गाइस एज से हमको हाउस मिलेगा। तो गाइस अभी हम और भी हाउस आपको मंगा के दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम आपको नेक्स्ट हाउस के लिए आपको फिर से मोबाइल पर हमें क्लिक करने के बाद आरजीएस टूल में जाना है। उसके बाद गाइस आपको एज 2 डायल करना है। अब जैसे एज 2 डायल करते हैं तो आपके सामने दूसरा वाला हाउस आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। एंड गाइस अभी हम आपको और भी हाउस मंगा के दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम आपको बता देते हैं। तो गाइस आप जैसे फिर से अब जैसे एज 3 डायल करेंगे तो आपके सामने और एक हाउस आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे गेम के अंदर इतने सारे हाउस देखने को मिल जाता है। ये देखने में भी बहुत अच्छा है। एंड गाइस आप अपने मर्जी से एक शहर भी बना सकते हैं। गाइस आप जहां पे भी चाहते हैं कि हम यहां पे कुछ बनाएंगे तो आप अपना मर्जी से बना सकते हैं। तो गाइस अभी हम आपको फिर से मंगा देते हैं कि और भी हाउस की चीट कोड बता देते हैं। तो गाइस सबसे पहले फिर से आरजीएस टूल में जाते हैं, एज 5 डाल करते हैं। उसके बाद गाइस आपको फिर से डन कर देना है। गाइस आपके सामने और एक हाउस आ जाता है जो स्कूल की तरह देखने को मिल जाता है। गाइस एज 6 डायल करना है। एज 6 जैसे डायल करते हैं तो गाइस हमारे सामने और एक हाउस एड हो जाता है। आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस अभी हम आपको और भी हाउस मंगा के दिखाते हैं। गाइस आपको डायल करना है नेक्स्ट हाउस के लिए। तो गाइस आपको एज 7 डायल करना है। जैसे आप एज 7 डायल करते हैं तो आपके सामने और एक हाउस एड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस ऐसे करके आप 10 हाउस मतलब कि 10 हाउस को मंगा सकते हैं। गाइस देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। एंड गाइस हम बहुत सारे हाउस को भी यहाँ पे मंगा लिए हैं। तो गाइस हम लगभग यहाँ पे तो 8 हाउस को मंगा लिया, मतलब कि 8 हाउस को मंगा लिए हैं। तो गाइस आप अगर चाहते हैं तो और भी हाउस को मंगा सकते हैं। तो गाइस आपको सिर्फ डायल करना है एज 1, एज 2, एज 3। उसके ऐसे करके गाइस आपको एज 10 तक डायल करना है, मतलब कि एज 10 तक डायल करना है। 10 किस्म की आपको हाउस देखने को मिल जाता है। तो गाइस अभी हम आपको नेक्स्ट चीट कोड के बारे में बता देते हैं। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है तो है गाइस हाउस को आप मूव कैसे कर सकते हैं। गाइस हाउस को मूव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, हाउस के पास जाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाउस है, तो यहाँ पे 2 हाउस एक जगह में हो गया, तो एक हाउस को हम हटा लेंगे। गाइस उसके लिए आपको हाउस के पास जाना है। उसके बाद मोबाइल पर में क्लिक करने के बाद आरजीएस टूल में जाना है। आरजीएस टूल में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे डायल करना है, एम डायल करना है। उसके बाद गाइस आपको डी ओ एन डायल करना है। अब जैसे एम डी ओ एन डायल करते हैं उसके बाद गाइस आपका जो हाउस है वो मूव हो जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं आरजीएस मोड ऑन हो गया। गाइस आपको आप कैसे करके इसको हटाना है, गाइस आपका जो कैरेक्टर है जिधर जाएगा तो हाउस भी उधर ही जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम जैसे कि गेम को जो ग्राफिक्स है इसको हटा रहे तो ये भी हट रहे। तो हम आपको दूसरे कहीं पे ले जाके दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम दूसरे कहीं पे जाते हैं तो दौड़ के थोड़ा जल्दी जाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो हाउस था वो यहाँ पे आ गया। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, ये तो मूव है। तो गाइस इसके लिए क्या करना है, तो गाइस अभी हम आपको बता देते हैं कि इसको आप यहाँ पे कैसे सेट कर सकते हैं, मूव ऑफ कैसे करना है। तो गाइस उसके लिए आपको फिर से मोबाइल पर हमें क्लिक करना है। मोबाइल पर हमें क्लिक करने के बाद गाइस आपको आरजीएस टूल में जाने के बाद आपको फिर से डायल करना है एम डन डायल करना है। उसके बाद गाइस आपको ऑफ डायल करना है, ओ डबल एफ ऑफ डायल करना है। उसके बाद गाइस ओके करने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। आप जैसे डन करते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो हाउस है वो यहाँ पे एड हो गया है, अभी मूव नहीं हो रहा है। तो गाइस ऐसे करके हमारा जो हाउस है ऐसे आप मूव कर सकते हैं, एक जगह से आप दूसरे जगह में ले जा सकते हैं। तो गाइस अभी हम आपको फिर से नेक्स्ट चीट कोड के बारे में बता देते हैं। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है वो बिल्डिंग के लिए। तो गाइस आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग को कैसे हमारे गेम के अंदर मंगा सकते हैं, तो गाइस उसके भी चीट कोड आपको हम बता देते हैं। गाइस उसके लिए हम यहाँ पे मंगा के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है आपको तो बता दिए। तो गाइस सबसे पहले आपको मोबाइल पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको आरजीएस टूल में जाना है। उसके बाद गाइस आपको बिल्डिंग को मंगाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको बी डायल करना है, मतलब कि B1 डायल करना है। जैसे हम B1 डायल करेंगे तो हमारे सामने आपको देखने को मिल जाएगा एक बड़ी वाली बिल्डिंग। गाइस आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग आ गया है। उसके बाद गाइस अगर आप चाहते हैं तो इससे भी बड़ा बिल्डिंग आप मंगा सकते हैं। गाइस उसके लिए आपको क्या करना है तो आपको हम नेक्स्ट चीट कोड के बारे में बता देते हैं। गाइस आप जैसे फिर से आपको डायल करना है बिल्डिंग, तो गाइस B2 डायल करना है। आप जैसे B2 डायल करेंगे तो आपके सामने और भी एक बिल्डिंग आ जाएगा, उससे भी बहुत ही बड़ा बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाता है। गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, उससे भी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। अब जैसे B3 डायल करते हैं तो आपके सामने और एक बिल्डिंग आ जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक बिल्डिंग और आ गया है, एंड गाइस उससे भी बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। उसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है मतलब कि बिल्डिंग के ही बताएंगे। तो गाइस बिल्डिंग को और भी बड़ी बिल्डिंग को मंगाने के लिए आपको डायल करना है B4 डायल करना है। अब जैसे B4 डायल करते हैं तो गाइस आपके सामने और भी एक बड़ी बिल्डिंग आ जाता है। गाइस ऐसे करके आपको बिल्डिंग को मंगाना है। तो गाइस ऐसे करके आप 10 बिल्डिंग मंगा सकते हैं, मतलब कि 10 बिल्डिंग मंगा सकते हैं, 10 प्रकार के बिल्डिंग मंगा सकते हैं, जो छोटा से लेकर बड़ी तक बहुत ही आपको बिल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, आरजीएस टूल में जाने के बाद ही आपको सिंपली क्या करना है, आपको डायल करना है B1 B2। तो गाइस ऐसे करके आपको डायल करना है। उसके बाद गाइस आपको 10 प्रकार के बिल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ढेर सारी हाउस को भी एड कर दिए हैं, एंड गाइस बिल्डिंग को भी एड कर दिए। तो गाइस आप टोटल 10 प्रकार के हाउस को एड कर सकते हैं, एंड गाइस 10 प्रकार के आप बिल्डिंग को भी एड कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम आपको बता देते हैं कि आप वॉल को कैसे मंगा सकते हैं, मतलब कि देवल कैसे मंगा सकते हैं। आरजीएस टूल में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे डायल करना है वॉल। तो गाइस डब्ल्यू
से वॉल होता है उसके लिए गाइस W1 डायल करना है। तो गाइस आपको यहाँ पे दो प्रकार के वॉल देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको W1 जैसे आप डायल करते हैं तो आपके सामने एक वॉल आ गया है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस उसके बाद आपको नेक्स्ट वॉल के बारे में भी बता देते हैं, थोड़ा साइड में जाते हैं। तो गाइस अभी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो गाइस फिर से आपको RGS टूल में जाना है। तो उसके बाद गाइस आपको W2 डायल करना है। अब जैसे W2 डायल करेंगे तो आपके सामने और भी एक प्रकार की वॉल आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये प्लास्टर किया हुआ वॉल है। एंड गाइस आपको ये बिना प्लास्टर किया हुआ वॉल देखने को मिल जाएगा जिसमें ईटा देखने को मिल जाता है। तो गाइस हमारे गेम के अंदर आपको दो प्रकार की वॉल देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस अभी हम आपको और भी चीट कोड बता देते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको हम ये बता देते हैं अभी कि आप ट्री को कैसे मंगा सकते हैं, मतलब कि आप पेड़ को कैसे मंगा सकते हैं। तो गाइस आपको इस गेम के अंदर ढेर सारे पेड़ भी देखने को मिलता है। तो गाइस पेड़ को मंगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, RGS टूल में जाना है। एंड गाइस आपको डायल करना है T1। अब जैसे T1 डायल करेंगे तो आपके सामने एक पेड़ आ जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं आप। गाइस इसके बाद आप इससे भी बड़ी पेड़ को मंगा सकते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको RGS टूल में जाने के बाद आपको सिंपली T2 डायल करना है। अब जैसे T2 डायल करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा और एक पेड़। एंड गाइस अभी हम आपको और भी पेड़ मंगा के दिखाते हैं। तो गाइस आपको T3 डायल करना है। अब जैसे T3 डायल करेंगे तो आपके सामने और भी एक बड़ी पेड़ देखने को मिल जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं T4 डायल करने के बाद गाइस और भी एक पेड़ आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस ये अलग पेड़ है, इससे मैचिंग नहीं होगा। गाइस अभी और भी पेड़ मंगा के दिखा देते हैं आपको। तो गाइस उसके लिए आपको T5 डायल करना है। T5 डायल करने के बाद ही गाइस आपको और भी एक पेड़ देखने को मिल जाता है। गाइस आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पेड़ है। एंड गाइस अभी आपको फिर से मंगा के दिखाते हैं। तो गाइस T6 डायल करना है। अब जैसे T6 डायल करेंगे तो आपके सामने और भी एक बहुत ही बड़ी पेड़ आ जाएगा। एंड गाइस अब जैसे T7 डायल करेंगे तो गाइस और भी ज्यादा बड़ी पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस T7 डायल करते हैं, उसके बाद गाइस आपको दिखा देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पेड़ आ गया। एंड गाइस आपका अभी और भी बड़े पेड़ मंगा के दिखाते हैं। तो गाइस उसके लिए T8 डायल करना है। अब जैसे T8 डायल करेंगे तो आपके सामने और भी बहुत ही बड़ी पेड़ आ जाएगा। 10 प्रकार की आप ट्री को मंगा सकते हैं। तो गाइस इसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली RGS टूल में जाना है। उसके बाद गाइस आपको डायल करना है T1 डायल करना है। आप जैसे T1 डायल करेंगे तो आपको एक छोटी सी ट्री देखने को मिलेगा। आप T2 डायल करेंगे तो उससे भी बड़ा आएगा। अगर T3 डायल करेंगे तो उससे और भी ज्यादा बड़ा आएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, पेड़ को मंगा लेना है। तो गाइस अभी हम आपको बता देते हैं कि आप रैम को कैसे मंगा सकते हैं। तो गाइस आपको तो गेम के अंदर ढेर सारी रैम देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस आप अपना मर्जी से रैम को भी मंगा सकते हैं। एंड गाइस उस रैम को आप मूव भी कर सकते हैं, उसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको तो हम ये बता देते हैं कि आप रैम को कैसे मंगा सकते हैं। गाइस RGS स्टोर में जाने के बाद गाइस आपको डायल करना है R1 डायल करना है। आप जैसे R1 डायल करेंगे तो आपके सामने जो रैम है, वो हमारा जो रैम है गेम के अंदर, वो रैम आपके सामने स्पॉन हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रैम स्पॉन हो गया। तो गाइस आप अपना गेम के अंदर ऐसे करके आप रैम को भी मंगा सकते हैं, लेकिन गाइस आप एक ही रैम को मंगा सकते हैं, उससे ज्यादा रैम आप नहीं मंगा सकते हैं। वैसे अभी तक हमारे गेम के अंदर जो अपडेट आया था उसमें एक ही रैम आपको देखने को मिलता है। तो गाइस अभी हम आपको बता देते हैं और भी चीट कोड। तो गाइस अभी हम आपको बता देते हैं प्रोपोज की चीट कोड। तो गाइस प्रोपोज मतलब कि पोल की चीट कोड, डस्टबिन की चीट कोड, फ्यूज की चीट कोड। तो गाइस अभी हम आपको सभी का चीट कोड बता देते हैं। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, मोबाइल फ्रेम में क्लिक करने के बाद गाइस आपको मोबाइल फ्रेम में क्लिक करने के बाद गाइस आपको RGS टूल में जाना है। उसके बाद गाइस आपको P1 डायल करना है। P1 डायल करने के बाद गाइस आपको ओके करके डन कर देना है। जैसे डन करते गाइस आपके सामने आप देख सकते हैं कि हमारा पोल आ गया है। तो गाइस आपको यहाँ पे लाइट भी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पोल है। तो ऐसा करके आप पोल को भी मंगा सकते हैं। तो गाइस अभी हम आपको नेक्स्ट चीट कोड बता देते हैं। तो गाइस RGS टूल में जाना है। उसके बाद गाइस आपको P2 डायल करना है। अब जैसे P2 डायल करेंगे तो आपके सामने और एक चीज आ जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये आ गया है। तो गाइस ये जो है पुलिस वाला यूज करते हैं इसको। तो गाइस अभी हम आपको और भी चीट कोड बता देते हैं। P3 डायल करना है। अब जैसे P3 डायल करते हैं तो आपके सामने और भी एक चीज आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे गेम के अंदर क्या आ गया। तो गाइस ये ब्रेक टाइप की चीज है। तो गाइस ये भी आपको देखने को मिल जाता है। गाइस आप देख सकते हैं ये ब्रेक टाइप की चीज है, तो इसको भी आप मंगा सकते हैं। गाइस उसके बाद आपको हम फिर से नेक्स्ट चीट कोड के बारे में बता देते हैं। P4 डायल करना है। अब जैसे P4 डायल करेंगे तो आपके सामने और भी एक चीज आ जाएगा। तो गाइस ये जो हमारे सामने आ गया है, ये शायद पेड़ लगाने वाला चीज है। आप इसके ऊपर अगर पेड़ लगाते हैं तो फिर इसके आपके इसके ऊपर आपको ग्रास भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि घास देखने को मिल जाता है। इसमें अगर पेड़ लगाते हैं देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस आपको P5 डायल करना है। आप जैसे P5 डायल करेंगे आपके सामने और भी एक चीज आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डस्टबिन आ गया। तो गाइस ये डस्टबिन है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने एक डस्टबिन आ गया है। तो गाइस ये कचरा फेंकने के लिए काम में आता है। उसके बाद गाइस अभी हम आपको और भी चीट कोड बता देते हैं। गाइस आप जैसे P6 डायल करते हैं तो आपके सामने साइन बोर्ड आ जाता है। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक साइन बोर्ड स्पॉन हो गया है। एंड गाइस अभी हम आपको और भी चीट कोड बता देते हैं। P7 डायल करना है। आप जैसे P7 डायल करेंगे तो आपके सामने एक डस्टबिन आ जाएगा। तो गाइस ये महंगा वाला डस्टबिन है, बहुत ही महंगा वाला डस्टबिन है। एंड गाइस उसके बाद आपको और भी चीट कोड बता देते हैं। P7 डायल करना है। P7 डायल करने के बाद गाइस आपके सामने और भी एक चीज देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको RGS टूल में जाने के बाद गाइस आपको P8 डायल करना है। जैसे आप P8 डायल करेंगे तो आपके सामने और एक डस्टबिन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं शायद ये सरकारी वाला डस्टबिन है,
जो सरकारी लोग यूज करता है। उसके बाद गाइस अभी हम आपको नेक्स्ट चीट कोड के बारे में बता देते हैं, P9 डायल करना है। अब जैसे P9 डायल करेंगे तो आपके सामने फ्यूज बॉक्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस ये छोटा वाला फ्यूज बॉक्स है P10। तो गाइस P10 आप जैसे डायल करेंगे तो आपके सामने क्या होगा यार, एक फ्यूज बॉक्स देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस ये बहुत ही बड़ी फ्यूज बॉक्स है। आप देख सकते हैं गाइस कि ये कितनी बड़ी फ्यूज बॉक्स है। एंड गाइस वो पहले हम जो P9 में मंगाए थे वो छोटा वाला फ्यूज बॉक्स था। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इतना सारा चीज आ गया। गाइस ये सब चीट कोड आप RGS टूल से मंगा सकते हैं, लेकिन गाइस नंबर से नहीं होगा। अगर आप कॉल करके मंगाना चाहते हैं तो फिर नहीं होगा। गाइस इन सभी का चीट कोड आपको हम बता दिए कि क्या क्या मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था, शायद आप लोगों को पता था कि नहीं, मेरे को नहीं पता। अगर आप लोगों को पता नहीं था तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको पता था कि नहीं। अगर आपको पहले से पता था तो भी आप बताइए। गाइस वीडियो भी कैसे लगा वो भी आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारे गेम के अंदर RGS टूल की चीट कोड छूट गया है वो भी आप हमको कमेंट में बताइए कि ये चीट कोड हमारा छूट गया है, उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उसके गाइस हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है, मतलब कि लास्ट चीट कोड है, तो वो भी आपको हम बता देते हैं। तो गाइस ये सब जो हम मंगाए तो इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको मंगा लेते हैं फिर गेम स्टार्ट करते हैं फिर मंगाएंगे तो मेरे को ये मंगा के फायदा क्या होगा। तो गाइस इसके लिए और भी एक चीट कोड है जिसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप गेम को वॉप कर देते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, सेम चीज आपको देखने को मिलेगा और दूसरा बार आपको मंगाने की जरूरत नहीं होगा। तो गाइस सेव करने के लिए आपको क्या करना है, RGS टूल में जाना है। RGS टूल में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपली सेव डायल करना है, सेव लिखना है, सेव जैसे आप लिखेंगे उसके बाद ओके करना है। गाइस आपका जितना भी चीट कोड था सभी चीट कोड यहाँ पे सेव हो गया है। तो गाइस अभी हम आपको गेम को ऑफ करके फिर ऑन करते हैं, उसके बाद आपको दिखा देते हैं कि ये रहता है कि नहीं। तो गाइस मैंने फिर से गेम को दोबारा स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस उसी लोकेशन में जाएंगे, उसके बाद गाइस आपको हम दिखाएंगे कि हमारा जो चीज हम मंगाए थे वो है कि नहीं। तो गाइस इस बार हम जाएंगे क्या, KTM बाइक को लेकर। तो गाइस KTM बाइक को लेने के लिए गाइस आपको मोबाइल पर में क्लिक करने के बाद आपको डायल करना है 12-10। जैसे 12-10 डायल करेंगे तो आपके सामने KTM बाइक स्पॉन हो जाएगा। उसके बाद अभी हम बाइक को ले लेते हैं, उस लोकेशन में जाएंगे जहाँ पे हम फोन किए थे कि हमारा बिल्डिंग को, उसके बाद गाइस पेड़ को, उसके बाद हमारा जो साइन बोर्ड है, फ्यूज बॉक्स है, सभी का जो चीट कोड मंगाए थे वहीं पे जाएंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि वो सब है कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे गेम के अंदर जितना भी चीज था सेम ही है। तो गाइस आज हम इस वीडियो के अंदर और कुछ नहीं बताएंगे। तो गाइस आज की वीडियो यही तक, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।